ये कोई तूफान की बात नहीं है कि अगर इफ द गर्ल वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव, इफ शी वांट्स टू ड्रेस अप इन अ वे दैट हर फ्रेंड्स आर ड्रेसिंग अप. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन डोंट रियली केयर अबाउट जन्नत दोजख आखरत. दे डोंट रियली केयर बिकॉज एट दिस एज उसकी वो इम्पोर्टेंस उसके लिए होगी नहीं जो आपके लिए. अगर आपने वैल्यूज उसके अंदर ठीक डाली हुई हैं, अल्टीमेटली शी इज गोइंग टू बी फाइन. और दूसरी बात ये कि 17-18 ये वाली एज पे टू डेवलप फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट सेक्स, एंड दिस इज फॉर बोथ जेंडर्स, दिस इज नॉर्मल एंड नेचुरल. यू कैन नॉट ब्लेम द चाइल्ड, उसको आप शेम नहीं कर सकते, उसकी आप शराफत पे उंगलियां नहीं उठा सकते जस्ट बिकॉज दे आर डेवलपिंग दीज फीलिंग्स. अल्लाह ने बनाया इस तरह से है. अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि आप लोग बच्चों को पहले MSc कराएं और ये सारी जॉब्स कराएं और ये कराएं और फिर इनकी शादियां करें. एंड आई एम सेइंग इट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. माँ और बेटी की रिलेशनशिप आई थिंक इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द रिलेशनशिप वी हैव विद सन्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल and lasting relationships in our lives, and it is also one of the most difficult and challenging both for the mother and for the daughters. What I can tell you from what I have learned, from the lessons that I have learned, aam taur pe jab beti ek certain age pe jab bacche hote hain to unko to hum pyar hi karte hain, wo bacche hain, masoom hain, bhule bhale hain. When they enter teenage, what I saw was what I was doing with my daughter was what my mother did to me. Even though I hated it, मुझे मैं इतनी अपनी अम्मी से उस वक्त रिटेलिएट करती थी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स. और वही चीज़ें मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी के साथ कर रही थी. द सर्टन लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स शी वॉन्टेड विद हर, यू नो, गोइंग आउट विद हर स्कूल फ्रेंड्स, गोइंग टू द मॉल विद हर फ्रेंड्स, एंड आई वुड फ्रीक आउट कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं अगर मॉल में ड्रॉप नहीं करूँगी, मैं इधर साथ वाली दुकान पे शॉपिंग करती रहूँगी. एंड दे फील सो एम्बैरस्ड दैट यू नो आई हैव अ शैपरोन विद मी. दिस इज़ अनकूल, यू नो, विद किड्स. इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू लेट गो, एंड आई रियलाइज्ड इट वाज माय कंट्रोल. आई हैड फियर कि इसको कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स नॉट ओनली डैमेज द चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट दे ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मदर एंड द डॉटर. एंड The daughter starts resenting the mother a lot. ज़ाहिर है अब हमारी justification ये होती है कि हमने ज़िंदगी गुजारी हुई है, हमें नज़र आ रहा होता है कि what are the things that can happen to her, what are the issues that can arise. इसमें एक बहुत balance strike करना पड़ता है. And what really helped me was finally sitting down and letting my daughter know कि why am I saying these things, why am I telling you not to do such and such. And then she would also tell me how I was wrong, you know. So be prepared कि उनका भी point of view होगा, they are going to also, you know, tell you what they think and where you are wrong. So then ultimately it becomes a negotiation. How much are you willing to give up and how much are they willing to give up, and you can come to a happy place where you are both comfortable in this thing. So एक चीज़ जो मैंने देखी है, एंड अगेन आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस अबाउट रिलीजन, जिसके घर में जो कंजर्वेटिव रिलीजन का जो भी है प्लीज़ आप वही रखें, मैं रिलीजन के तौर पे ये बात आपसे नहीं कर रही हूँ. लेकिन सच ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आप किस माहौल में रह रहे हैं. वेयर आर यू लिविंग? आई हैव सीन पीपल लिविंग इन अमेरिका दैट फोर्स देयर चिल्ड्रन to wear certain types of clothes, although they have always gone to American schools and they have American friends. Even वहाँ पर जो Islamic schools हैं उसमें भी बच्चे यही कर रहे हैं कि चूँकि parents उनके साथ बहुत strict होते हैं, तो फिर वो parents की behind their backs they are wearing mini skirts, they're doing all the things that other children are doing. We have to understand that children don't really care about Jannat, Dozakh, Akhirat. They don't really care. हमें वो केयर है, हमें वो परेशानी होती है, उनको नहीं होती. सो पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें वो वैल्यूज़ देनी चाहिए थी पहले से ही. वी शुड हैव इनकल्केटेड द वैल्यूज़ ऑफ इंटेग्रिटी, ऑफ लविंग ट्रूथ, ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह ताला, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इफ दे आर इन देयर, तो ये कोई तूफान की बात नहीं है कि अगर इफ़ द गर्ल वॉन्ट्स टू लुक अट्रैक्टिव, if she wants to dress up in a way that her friends are dressing up. Because at this age uski wo importance uske liye hogi nahi jo aapke liye. Agar aapne values uske andar theek dali hui hain, ultimately she is going to be fine. But if you stop her from everything,
then she's going to go and do everything behind your back. If you stop her from doing some of the things which are really important, then she will not do all of the things, and whatever she does do, she will do it in front of you. And that's the best place to be at, because bahut se parents ne apni rigidity ki wajah se, kyunki unko ye lagta hai hame jawab dena hoga, fir humse ye sawal. For example, I'll tell you that one of the biggest fears that people have is that if my daughter is a teenager or she's a young adult, I don't want her to be in a relationship, because I want her to just be married and not make any mistakes. फिर से वही बात कि छोटी उम्र से ही उसको इन वैल्यूज़ का और क्यों ये वैल्यूज़ हैं ये समझाना चाहिए था. और दूसरी बात ये कि 17-18 ये वाली एज पे टू डेवलप फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट सेक्स, एंड दिस इज़ फॉर बोथ जेंडर्स, दिस इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल. यू कैन नॉट ब्लेम द चाइल्ड, उसको आप शेम नहीं कर सकते, उसकी आप शराफत पे उंगलियां नहीं उठा सकते जस्ट बिकॉज दे आर डेवलपिंग दीज फीलिंग्स. अल्लाह ने बनाया इस तरह से है. अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि आप लोग बच्चों को पहले MSc कराएं और ये सारी जॉब्स कराएं और ये कराएं और फिर इनकी शादियां करें. एंड आई एम सेइंग इट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. जब हमने अल्लाह की कुदरत के और उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ जाके अपना निज़ाम बेहतर समझा कि नहीं, दे शुड फर्स्ट बी एजुकेटेड एंड दे शुड ऑल्सो हैव करियर्स and then perhaps they should think about a relationship. तो जो body की biology है वो तो अपने वक्त पे कुदरत के निज़ाम पे चलेगी. So if they develop feelings for the opposite sex, it's normal. Don't shame them. Be open, so open with them that they can come and tell you. Because at that point, we can guide them. Like one of the things I teach my daughter, and I've taught other girls that are young, I always tell them ke beta, the most important thing that a girl can give to a guy is her heart. That's the most precious, most valuable thing that she can give to a guy. Whereas the most valuable thing that a guy can give to a girl is his commitment. Mard jab commitment deta hai तो मोहब्बत करता है, बाकी सब लफाजी है, बाकी सब अच्छी अच्छी बातें हैं. ये बात उनको समझ में आ जाती है, दे अंडरस्टैंड इट. सो नाउ व्हेन यू टेल देम कि बेटा आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल, डोंट गेट इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स, आई पर्सनली डोंट बिलीव देयर इज एनी हार्म इन हैविंग अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू गेट मैरिड. ऑफ कोर्स यू वांट टू ऑब्जर्व द बाउंड्रीज दैट हैव बीन प्लेस्ड बाय इस्लाम. पसंद की शादी करने में क्या इतना बड़ा मसला है? इस्लाम तो एक्चुअली रेकग्नाइज ही सिर्फ पसंद की शादी को करता है. इस पर भी मुझे पता है बहुत लोग तूफान खड़ा करेंगे, बट अगर आप इस्लाम को अच्छी तरह से समझें और देखें, लड़की की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं हो सकता. और लड़की की मर्ज़ी सिर्फ ये नहीं है कि बस उस वक्त जाके कि बेटा हाँ कर दो, नो, असल मर्जी होनी चाहिए. शी शुड हैव कंसिडर्ड इट एंड शी शुड बी हैप्पी अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मैरिंग दिस गाय. तो वो जाहिर है, इफ शी गेट्स टू नो हिम कॉलेज में, स्कूल में, जो भी, इट्स ओके. Handle them in a very wise way. Give them good background on why you are saying the things you are saying. You're not just trying to be some maulvi ya koi bada strict parent ki nahi tumne ye nahi karna kyunki ye hamare deen mein jaiz nahi hai. Is waqt aapki zyadatar generation atheist ho rahi hai. Kyun ho rahi hai? Because they don't understand. Unhe nazar aata hai ki parents to actually khud apni zindagiyan fulfilled nahi guzar rahe. They are mostly unhappy, depressed, anxiety ridden, whatever. बेईमानी भी है, दिखाने को दीन है और वैसे नहीं है. और ये पेरेंट्स मेरे भी हलक से ज़बरदस्ती अपना वर्जन ऑफ दीन गुजारना चाह रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आता. दे आर गोइंग टू रिटेलिएट एंड दे आर गोइंग टू रिबेल. सो डोंट डू दैट. पहले खुद समझें, सोशल रीजनिंग समझें कि अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उनके एक्चुअली बहुत फ़ायदे हैं. दिस इज़ वट आई डू इन दीज वीडियोज़. आई टेल यू गाइज that these things have a lot of value in your life. It will make your life easier, but understand them yourself first, then you can teach it to your children, and inshallah then they will have good values. But inculcate truth, love for truth and love for honesty. Ye do cheeze agar bachcho mein hongi, they will inshallah never go astray.